दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन विभाग के बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह शुक्रवार को विद्यालय के संवाद कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रक्षा एवं स्थान स्ट्रेटजिक विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ने विदाई समारोह में कहा कि बातें तो आपसे बहुत करना चाहता था, लेकिन कल की एक घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उसमें थोड़ी देर बाद अगर संभव हो सका तो मैं आपसे बात करूँगा। उस घटना पर कितने गरीब घरों के बच्चे शहीद हुए और मैं राष्ट्र के कर्णधारों को यह संदेश देना चाहता हूं कि किस श्रद्धांजलि रूपी कफन उनको नहीं चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर भगवान सिंह, डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर परवीर सिंह सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इंटरमीडिएट की बीएससी की एमएससी की किसी क्लास की मार्कशीट में 60% 99% पा जाए यशस्वी नहीं है, बगल में सारे लोग रो रहे हो तो आप मुस्कुरा नहीं पाए। अस्तित्व में वो चीजें भी लाए जिससे आप एक संवेदनशील नागरिक बन सके, एक अच्छे नौजवान बन सके, समाजोपयोगी राष्ट्रोपयोगी व्यक्ति बन सके। केवल पशु जीवन नहीं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया, खूब बड़ी बड़ी तनख्वाह लिया, अपने अकाउंट में देखा और बीवी बच्चों के साथ होटलों में जाकर मौज कर रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, वो आपका जीवन आपके लिए हो सकता है सुखमय। लेकिन सुख की परिभाषा भी ये नहीं है कि बड़ा वैभव हो जाए। आप कुछ समाज के लिए उपयोगी हो तो आपका जीवन बेहतर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबरों के साथ एक समाजोपयोगी व्यक्तित्व भी अपने अंदर लाएंगे। कि यद्यपि गुरु को सब मंच पर शिष्य बैठे हुए हैं, अब मुंह पर कहीं भी कर्म पर आई और साक्षात बैठे हुए हैं गुरु को शिष्य की, उसकी उपस्थिति में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और कितने सरल सजल हैं और आज मैं प्रसन्नतापूर्वक यह कह सकता हूं कि आपके साथ साथ मुझे भी एक कितने व्यक्ति कि महानता इसमें नहीं है कि वह कितना बड़ा महान है, बल्कि उसकी महानता इसमें नहीं थे कि वह दूसरे को कितना महान बना देता है। आज हमारे शिष्य ने ही मुझको इतना महान बना दिया कि मैं क्या कहूं। बातें तो आपसे बहुत करना चाहता था लेकिन कल की एक घटना ने मुझको भी ऐसा झकझोर के रख दिया कि उसके थोड़ी देर बाद मैं आपसे अगर संभव हो सका तो कुछ बात करूंगा। और कल की जो घटना हुई है उस घटना पर कितने गरीब घरों के बच्चे शहीद हुए हैं और मैं राष्ट्र के कर्णधारों को यह संदेश देना चाहता हूं कि श्रद्धांजलि रूपी कफन उनको नहीं चाहिए। कि श्रद्धांजलि करके और उनको कफन बढ़ा रहे हो, अरे क्रिया रूपी आभूषण चाहिए उनको, क्रिया करके दिखाओ, ऐसा आभूषण तैयार करो कि उनके घर के लोग जो हैं उसको पहन करके अपने को आप गौरव महसूस कर सके। कहां सोए हुए हो? तुम कहते थे कि कश्मीर के नौजवानों को पत्थर हाथ में नहीं उठाना चाहिए, अरे पत्थर तोड़ना चाहिए। लेकिन मेरा यह उनको संदेश है कि पत्थर तोड़ना नहीं चाहिए, उन हाथों को तोड़ के फेंक देना चाहिए जो पत्थर को उठा रहे हैं।